नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मोबाइल से स्टूडेंट केवाईसी कैसे करें। 9वीं से 12वीं तक की जो स्कूल में केवाईसी हो रही है दोस्तों स्कॉलरशिप के लिए, वो केवाईसी आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना होगा और गूगल में आप लोगों को सर्च करना होगा MP शिक्षा पोर्टल KYC। और MP शिक्षा पोर्टल KYC सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ जो सबसे ऊपर में लिंक मिलेगा दोस्तों आधार eKYC प्रोसेस, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल की वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जिसमें आप लोगों को क्या करना है अपना मोबाइल नंबर डालना है एक बार और फिर से दोबारा वही मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको कैप्चर दिया है ये कैप्चर डाल के OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर खुद का डाल सकते हैं या फिर जिस स्टूडेंट का आप लोग कर रहे हैं उनका भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, OTP जब आ जाएगा तो OTP आप लोग यहाँ पर फिलअप करके सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे। यदि आपको OTP नहीं मिला है तो फिर से OTP भेजने के लिए आप लोग यहाँ कर सकते हैं OTP पुनः भेजने पर क्लिक। और उसके बाद जब आप लोग OTP डाल देंगे, OTP डालने के बाद आप लोगों के सामने नया पेज खुल के आएगा जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट की समग्र ID डालना है जो कि 9 अंक की है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ लिखा है विद्यार्थी की जानकारी देखें या इंग्लिश में लिखा होगा सो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पर तो आप लोगों के सामने स्टूडेंट की पूरी जानकारी खुल के आ जाएगी, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसकी समग्र ID, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस स्कूल में है, किस क्लास में है, ये सब उसका पूरा खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ eKYC करें पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद eKYC क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर डालना है और फिर से आधार नंबर डालना है दो बार। आधार नंबर डालने के बाद आप लोगों को OTP के माध्यम से या कि बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना स्टूडेंट KYC कर लेना।